कोरोना का कहर जारी। देश में एक दिन में मिले कोरोना के 3.5 लाख से ज्यादा के केस और वहीं पर 2,415 लोगों ने हारी जिंदगी की जंग। महाराष्ट्र और दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ मौतें। शिवान हुसैनगंज की प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ मनीष प्रसाद की कोरोना से हुई मौत। बिहार मरीज को नहीं मिली एम्बुलेंस, बाइक पर शव को रख कर ले गए परिजन। हिमाचल में आज और कल बंद रहेंगे बाजार, कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम। कोरोना संकट, सिंगापुर और यूएई से ऑक्सीजन टैंकर आयात करेगा भारत। दुगना होगा रेमडेसिविर का उत्पादन, मई से हर महीने बनेगी 74 लाख डोज। ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में 25, जबलपुर में 5 मरीजों ने तोड़ा दम, 60 की जान जोखिम में। कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देगी सरकार, 26,000 करोड़ की राहत पैकेज किया जारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बरसे सीएम योगी ने कहा सस्ती लोकप्रियता के लिए पीएम की बैठक की गोपनीयता को किया भंग। जिंदगी लेकर बोकारो से चल पड़ी ऑक्सीजन एक्सप्रेस, आज सुबह पहुंचेगी लखनऊ, पहली बार रेल से हुई ऑक्सीजन की सप्लाई। दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 20 लोगों की हुई मौत, कोरोना के कारण मचा हुआ है हड़कंप। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।